हेलो एवरी वन आर यू गायज इज़ द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू यू पीपल क्या अभी हम लोग लाइव हैं राइट प्लीज़ फटाफट से सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए देन वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ सेशन टुडे एंड दिस इज़ दार्ट टू ऑ ऑफ़ जुलाई मंथ ऑली बोर्ड बोल्ट मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हम जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो हम करने वाले हैं सो लेस क्विकली स्टार्ट द सेशन गाइज एक बार मुझे यहाँ पर अपना वीडियो जो है ऑफ़ करना पड़ेगा ताकि पूरी स्क्रीन जो है आपके लिए अवेलेबल रहे तो कल यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ न्यूज़ की थी जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट की थी इकॉनमी न्यूज़ नेशनल न्यूज़ और आज हम यहाँ पर नेशनल न्यूज़ जो है उसके एंड से स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन सो so, उससे पहले आपको बता दूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो बोर्ड भी यहाँ पर मना रहा है तो कल हमारा इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इनफैक्ट पूरे इंडिया में आज विभाजन विभीषी का दिवस जो है वो मनाया जा रहा है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो गुड इवनिंग अमन शुभम अविनाश हरे कृष्णा कैसे हैं आप ओके सो ऐसे ही अभी आपका आज़ादी महोत्सव यहाँ पर चल रहा है जिसमें ये आपका सिक्सटीनथ ऑफ अगस्त को एंड होगा जिसमें आपको डबल वैलिडिटी प्लस ट्वेंटी ऑफ मिलेगा सारे बैंकिंग सब्सक्रिप्शन पर अगर आप शीतल कोड का यूज़ करते हैं तो इसके अलावा अगर आप कोई भी इंडिविजुअल बैच परचेज़ करना चाहते हैं जैसे कि आर बी पी एस पी ओ आर बी पी ओ एस बी आई पी ओ क्लर्क कुछ भी ऐसा कोई इंडिविजुअल कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के सारे इंडिविजुअल कोर्सेज पर आपको फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ मिल जाएगा शीतल कोड यूज़ करने पर यह सिक्सटीथ ऑफ अगस्त तक आपका वैलिड रहेगा ये जो है पीडीएफ जो है ये ऑलिड की PDF आपको की वेबसाइट से भी मिल जाएगी और ऐप से भी आप जाके देख सकते हैं आज का सेशन जो है फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं ओके okay, सो so, हमने ये सारा ऑलरेडी कर लिया था आज जो हमको करना है दैट इज फ्रॉम हियर ठीक है तो इधर से हमको आज स्टार्ट करना है प्रसार भारती अनविल्स न्यू लोगो ऑन इट सिल्वर जुबली मैम फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे करें प्लीज़ रिप्लाई श्रेयांस फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरा आरआरबी पीओ क्लर्क का टॉपर्स बैच आ चुका है ऑन ऑलीवुड और उस पर भी अभी आपको 55 परसेंट का ऑफ मिल जाएगा तो वहां से आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जो ये मेरा बैच है आई बी पी क्लर्क मेंस वाला टॉपर्स बैच जो है ये अभी आपको 1349 का पड़ जाएगा टेलीग्राम पर इसका लिंक भी है डायरेक्ट वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं ओके सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेशन गाइज यहाँ पर सबसे पहला न्यूज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्रसार भारती एंड वेस्ट न्यू लॉगोन एर सिल्वर जुबली प्रसार भारती जो है जो

ठाकुर नेक्स्ट इज यार हरियाणा के जो सीएम है खट्टर जी मनोहर लाल खट्टर एंड यूनियन मिनिस्टर टेक्नोलॉजी इन इन्होंने बोला टेक्सटाइल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहां पर दो नाम याद रखने हरियाणा के सीएम खट्टर और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं ये तो आप

ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट नेक्स्ट यहाँ पर है आपका जूट मार्क इंडिया स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है जहां पर उस जूट का जो ऑरिजिन है जो क्वालिटी है ट्रेडिशनल जूट और उनके प्रोडक्ट्स का वो यहाँ पर दिया जाएगा आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है बस ये याद रखना कि नेशनल जूट बोर्ड जो है उसको गवर्न कौन करता है नेशनल जूट बोर्ड एक्ट के थ्रू वो गवर्न होता है ये एक्ट कब आया था टू में चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज है वो है इंडिया एड्स अबाउट वन पॉइंट वन सिक्स किलोमीटर्स ऑफ रोड इन ट्वेंटी

रखी गई है और किसने रखी है ये तो जो इसकी चेयरमैन है नाम क्या है मंजुला दास उन्होंने नेक्स्ट न्यू ड्राफ्ट बिल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब विल रिप्लेस द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कुछ एक ऐसे इकोनॉमिक जोन होते हैं जहां पर आपके ट्रेड एंड टेरिफ जो होते हैं वो बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर या बाकी कंट्री के पार्ट से डिफरेंट वहां पर ट्रेड एंड टैरिफ्स होते हैं बेसिकली वहां पर रिलैक्सेशन मिलता है ओपन ट्रेडिंग को प्रमोट किया जाता है और टैरिफ्स वगैरह जो होते हैं टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वहां पर कम लगते हैं और ये जर्नली दो किसी देशों के बीच की बॉर्डर लाइन एरियाज पे जो ट्रेड होता है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाला जाता है तो इसके रिगार्डिंग यहां पर क्या लाया गया एक नया ड्राफ्ट बिल लाया गया है ऑन देश देश क्या है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर है आपका मास्टर कार्ड सेट टू रिप्लेस पेटीएमएस

बोट एज़ ऑन थर्टीए जून यानी कि तीस जून तक यहां पर 403 गीगावाट का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन जो है हमारी कंट्री के अंदर इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो कितने की डाली गई है 403 गीगावाट से भी ज़्यादा अगर हम 30 जून तक की बात करें तो और इसका जो इन्फॉर्मेशन दिया ये दिया जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं आर के सिंह पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसने उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना दो में शुरू की थी जहाँ पर इन्होंने बोला था फाइनेंशियल ऑपरेशनल टर्न किसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कि और जितना भी है, वो सरकार उसको फुलफिल करेड एडवेंचर टूरिज्म होता है समथिंग विच इज डिफरेंशियटेड कोई नीचे चीज ऐसी कि जो टारगेटेड है किसी एक तबके के लिए किसी एक टारगेटेड ग्रुप के लिए है और काफी डिफरेंट चीज है जिसको आप बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी चीजों से विभिन्न कर सकते हैं और जो एक किसी एक पर्टिकुलर चीज स्पेशल पर्पज के लिए चलाई जाती है तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एडवेंचर टूरिज्म जो है उसको क्या बुलाया ये एक टूरिज्म प्रोडक्ट है यानी कि बाकी सबसे ही क्या है अलग है जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो पानी से रिलेटेड खेल गतिविधियां होती है उनको जो कि यहां पर इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग बिहार एज आ थ्री डेज डेस्टिनेशन यानी कि तीन दिन का यहां पर डेस्टिनेशन जहां पर क्या किया जाएगा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको इंक्लूड किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेक्स्ट यहाँ पर है आपका पी एम टू बिग फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ एन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दो एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है उसके ग्रीन प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट क्या होते हैं जो इन्वायमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या किए हैं डेडिकेट किए हैं नेशन को एक कहाँ पर है वन इज अ रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का जो है तेलंगाना में किया और दूसरा कहाँ पर है कायम कुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 92 मेगावाट कैपेसिटी 92 मेगावाट का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इधर होता है ये कहाँ पर है केरला में है तो दो ऐसे सोलर और कैसे फ्लोटिंग तैरते हुए पानी के ऊपर ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इनाग्रेट किया है वन इज़ रामागुंडम एंड द अदर वन इज कायाकुलम कायमकुलम जो है वो केरला में है नाइन्टी टू का तेलंगाना के अंदर है रामागुंडम हंड्रेड मेगावाट का इज दैट क्लियर टू यू पीपल नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल न्यूज जो है ये शुरू हो चुकी है सबको क्लियर है एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए सी एल आर क्लियर है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर है आपकी इंटरनेशनल न्यूज जो एक्वाडोर के प्रेसिडेंट है क्या नाम है उनका गुलिरमो लासो उन्होंने यहाँ पर क्या है इम्पीचमेंट वोट जो है उससे सर्वाइव कर लिया है उससे बच गए हैं आफ्टर द अपोजिशन फेल टू गैदर इनफ वोट टू आउट हिम यानी कि उसका जो अपोजिशन है वो इतने वोट्स नहीं लेके आ पाया जिससे उनको बाहर किया जा सके तो वो काइंड kind ऑफ of यहाँ पर बच गए हैं इन्होंने इनके यहाँ पर एटी वोट्स आए थे वन थर्टी सेवन कांग्रेस में यहाँ पर नाइन्टी वोट्स की ज़रूरत थी लेकिन सिर्फ

डुटाटे जो है वो क्या बन गए यहां पर, बने है। here, India, 12 2022 यहां पर इंडिया के साथ साथलैंड साथ का, का मतलब क्या होता है एक ऐसी इकोनॉमी एक ऐसा नेशन जो किसी भी आने वाली एडवर्सिटी को किसी भी दुर्लभ परिस्थिति को क्या कर सकता है उसे बाउंस बैक कर सकता है सो दिस इज लाइक दैट नेक्स्ट इज स्वीडन एंड फिनलैंड साइन असेशन प्रोटोकॉल्स विद नेटो नेटो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ब्रूजल्स बेल्जियम में है स्वीडन और फिनलैंड जो है इन्होंने क्या किया है प्रोटोकॉल जो रूल्स है कैसे असेशन के ऊपर वो साइन किए हैं किसके साथ में नेटो के साथ में, में. यहाँ पर नेटो जो है उसके लिए यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में फिनलैंड के जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर है पैका हावेस्टो और स्वीडिश फॉरेन मिनिस्टर एन लिंडे के प्रेजेंस में इन्होंने ज्वाइन किया है अगर आपसे पूछेगा नाटो के हेड यानी कि उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है तो उनका नाम है जेन्स टोलनबर्ग नेक्स्ट इज यर डे आफ्टर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर इटलीज बिगेस्ट एल्पाइन ग्लेशियर ऑन मारमोलादा माउंटेन कोलैप्स यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इटली का जो सबसे बड़ा एल्पाइन ग्लेशियर है ठीक है उसका नाम क्या है मारमोलादा माउंटेन है वो क्या? हो गया है कोलैप्स हो गया है वो इधर गिर गया है तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां पर क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर देखा गया और कितना एडवर्स हो सकता है कितने माउंटेन्स इसकी वजह से गिर सकते हैं तो ये आप अच्छे से याद रखना ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर आपका और इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि मार ग्लेशियर जो है ये डोल माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है जो कि इटालियन एल्प्स जो है माउंटेंस जो है उनमें से बड़ा माना जाता है डोल में नेक्स्ट इज एयर बोरिस जॉनसन क्विट एज यू प्राइम मिनिस्टर यू के के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर क्विट कर दिया है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनके जितने भी यू नो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा उनको अबेंडन कर दिया गया है उनके पास कॉन्फिडेंस मोशन नहीं रहा तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट इज गूगल पेरेंट गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है उन्होंने के जो उसमें बहुत टाइम ये गोल्डमैन सेश एक कंपनी है जिसमें यहाँ पर बहुत टाइम से मार्टी शेवेज इसके बोर्ड में रहे हैं उनको अब अपने बोर्ड में इंक्लूड कर लिया है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ये आपको याद रखने का ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर है आपका इंग्लैंड फेसेस फर्स्ट एवर रेड वेदर वार्निंग ओवर एक्सट्रीम हीट वेव इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट वेव की वजह से यहाँ पर रेड वेदर वार्निंग जो है इधर की गई है क्योंकि इंग्लैंड के अंदर फोर्टी डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो था इधर यहाँ पर आ, रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर देखा गया कि 40 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस इधर है नेक्स्ट इज इटली प्राइम मिनिस्टर मारियो मारियोद्रागी रिजाइन्स अब एक तो हमने यहाँ पर देखा कि बोरिस जॉनसन ने भी क्विट कर दिया दूसरा हमने देखा कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मारियोद्रागी उन्होंने भी रेजिग्नेशन किया है जब इनकी गठबंधन की सरकार कॉलिशन पार्टी जो है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया इनकी गवर्नमेंट से ये आपको यहाँ पर याद रखना है इससे पहले ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के चीफ रहे थे और ये प्राइम मिनिस्टर कब बने थे दो में बने थे मारियो मारियोद्रागी और यहाँ पर अब इनको क्या हुआ है इन्होंने रेजिग्नेशन जो है इधर दे दिया है नेक्स्ट न्यूज हेयर पॉक्स एज अ ग्लोबल इमरजेंसी इंडिया के अंदर अभी तक टोटल कितने मंकीपॉक्स केसेज आ चुके हैं एंड है, अभी रिसेंटली के अंदर ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड वुमेन की डेथ हुई थी कल परसों की ही बात है उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू मंकी पॉक्स ठीक है और ये डेली का फिफ्थ केस था अभी तक सबसे पहला केस इंडिया के अंदर कहां पर आया था केरल में आया था और जो कि वो केरल से जो पर्सन आया था वो यूएई से आया था In fact, फर्स्ट गोल्फ़ कंट्री गल्फ़ कंट्री जहां पर आपका मॉकी पॉक्स डिटेक्ट हुआ जो केस देखा गया वो भी यू था यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं मॉकी पॉक्स से रिलेटेड जो आप याद रख सकते हैं मंकी पॉक्स जो है ये काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स जैसे इसके सिम्टम्स रहते हैं लेकिन ये उससे कम डेडली और लाइफ थ्रेटनिंग उससे कम है क्योंकि इसका जो डेथ रेट है मोर्टैलिटी रेट है वो अराउंड फोर परसेंट है तो अब यहाँ पर मंकी पॉक्स जो है उसको भी ग्लोबल इमरजेंसी बता दिया गया है क्योंकि अफ्रीकन नेशंस यूरोपियन नेशंस में इसका काफ़ी ज़्यादा कहर देखा गया है और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेक्स्ट इज ईयर चाइना अप्रूव फर्स्ट होम ग्रोन कोविड एंटीवायरल पिल यहाँ पर चाइना जो है उसने अपनी पहली खुद की बनाई हुई कोविड की एंटी वायरल पिल जो है बनाई है पिल क्या होता है एक मेडिसिन होती है वो इन्होंने बनाई है और जो कि इधर पहले यूज़ होती है एचआईवी को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होने वाली मेडिसिन थी बाय जेनविन बायोटेक उन्होंने ही इसको क्या किया है इसको क्लियर किया है उसको आगे यू नो you know, अप्रूवल मिला है और इसका नाम क्या है इसका नाम है एजव्यूडाइन ठीक है ये आपको याद रखना है ये हिनानान बेस्ड ड्रग कंपनी है जिसने इधर क्या किया अडल्ट के लिए यहाँ पर बनाई है जिनको भी नॉर्मल सिम्टम्स हैं एमरजेंसी यूसेज के लिए इसको अप्रूवल मिला है नेक्स्ट इज हेयर रशिया विल विदड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट आफ्टर ट्वेंटी

सिंस उनके को जॉइंटली ये क्या किया जा रहा है रन किया जा रहा है और इसका पहला पीस जो ऑर्बिट में भेजा गया था वो 1998 में भेजा गया था तो जिसको ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज लूलू रोज रेयर पिंक डायमंड लाइकली द लार्जेस्ट इन 300 इयर्स डिस्कवर्ड इन अंगोला तो अंगोला के अंदर तीन सौ ऑलमोस्ट तीन सौ साल पुराना और सबसे बड़ा अभी तक माना जा रहा है एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पिंक कलर का डायमंड इधर देखा गया जिसका नाम दिया गया है ल्यूलो रोज ठीक है तो पिंक है तो इसलिए उसका नाम रोज़ भी रख दिया ये कितने कैरेट का है जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे यू नो क्वालिटी मेजरमेंट्स होते हैं तो उसमें डायमंड में कैरेट्स में उसको आ, किया जाता है तो ये वन सेवेंटी कैरेट्स का है यहाँ पर जहाँ पर हम उसका देखते हैं और कितने वेट का है तो 34 फोर ग्राम्स का है 170 सेवेंटी कैरेट का पिंक रफ डायमंड है 34 फोर ग्राम्स का जो कहाँ पर मिला अंगोला में कौन सी जगह पर लुकापा ल्यूलियो माइन के अंदर ये पाया गया वहाँ से निकाला गया है अंगोला देश के अंदर इसको नाम दिया है ल्यूला रोज़ का तो ये सबसे बड़ा पिंक डायमंड है जो पिछले 300 साल में अब जाके डिस्कवर हुआ है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर है इसके अलावा आप कंप्यूटर सर्टिफिकेशन कोर्स यूज़ कर सकते हैं अब इस पर फिफ्टी ऑफ चल रहा है बाई यूजिंग शीतल कोट एस एच डबल ई टी एल इनफैक्ट ऑलिबोर्ड पर कभी भी कुछ परचेज करना हो आप बस मेरा नाम याद रख सकते हैं शीतल और बस वो लगा सकते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर किसी में भी स्पेलिंग याद रखना एस एच डबल ई टी ए एल ओके तो यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स न्यूज़ शुरू हो चुके है स्पोर्ट्स न्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी एग्जाम्स होते हैं आजकल उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है आपके स्पोर्ट्स न्यूज़ को तो पहला ही स्पोर्ट्स न्यूज़ जो शुरू हुआ है वो लेजेंडरी प्लेयर से शुरू हुआ है नीरज चोपड़ा से नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है डायमंड लीग मीट में ये इन आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ स्टॉकहोम में हुआ और इन्होंने अपना खुद का यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड जो है दूसरी बार एक ही मंथ के अंदर क्या किया है ब्रेक किया है चोपड़ा जो है नीरज चोपड़ा वो सेकंड नंबर पर यहां पर आते हैं इसलिए सिल्वर मेडल मिलता है स्टोक होम की डायमंड लीग के अंदर जहां पर इनका जो स्कोर रहा जो इनका थ्रो था वो कितने मीटर का था एटी नाइन पॉइंट का नेशनल रिकॉर्ड जो कि एन पॉइंट पावर गेम्स में जो टर्की के अंदर हुए थे उसको खुद को दोबारा से इन्होंने क्या किया है? किया है है इधर ब्रेक तो आपको याद रखना है यहां पर जो जो एंडरसन पीटर्स कि वर्ल्ड नंबर वन है उन्होंने इसके अंदर बेस्ट थ्रो किया यानी कि गोल्ड जीता किसने एंडरसन पीटर्स ने और उनका थ्रो कितने का था नाइन्टी पॉइंट थर्टी वन मीटर का था तो ज्यादा पीछे नहीं रहे यहां पर नीरज चोपड़ा क्वाइट अमेजिंग परफॉर्मेंस उनका पर पर रहा है 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 इसके अलावा आपको क्या याद रखना कि नेक्स्ट न्यूज एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ उसमें नीरज चोपड़ा जो है बाईस की इंडियन कंटिजेंट जो है ऑरेगॉन के अंदर जाएगी ऑरेगॉन के उधर प्लेइंग करेगी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उसको ये लीड करने वाले हैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लीड करने वाले थे नीरज चोपड़ा लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ड्यू टू इंजरी अगर आपसे पूछूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल ऑफ हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया और इंडिया मेडल टेली में कौन से नंबर पे रही तो मुझे फटाफट से एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा इसके अलावा यहां पर आपके नेशनल गेम्स जो है वो गुजरात के अंदर होने वाले हैं फ्रॉम ट्वेंटी सेवंथ ऑफ सेप्टेंबर टिल अक्टूबर टेंथ यानी कि सत्ताईस सितंबर से लेकर दस अक्टूबर तक इस साल क्या होने वाले हैं नेशनल गेम्स होने वाले हैं गुजरात के अंदर इसका इंफॉर्मेशन दिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ठीक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है राजीव मेहता और अभी उसके एक्टिव प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना ओके तो ये गेम्स जो है ये पाँच से छः सिटीज़ के अंदर होंगे यानी कि पाँच छः शहरों के अंदर होंगे गुजरात के अंदर जिसमें कि एक आपका अहमदाबाद के अंदर भी होने वाला है सितंबर से लेके अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं और इससे पहले नेशनल गेम्स कब हुए थे लास्ट टाइम तो वो हुए थे दो में कहाँ पर केरल के अंदर कंडक्ट हुए थे तो इस बार ये मल्टीपल सिटीज़ में अंदर होने वाला है और ये होना था आपका पहले ही लेकिन ड्यू टू कोविड इसको पोस्टपोन कर दिया गया काफ़ी बार नेक्स्ट इज़ यार अदानी sports line कोलेबरेट्स विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज अ प्रिंसिपल स्पॉन्सर अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर नेशनल गेम्स कंडक्ट कराने वाली है लेकिन आपको इसके अलावा याद रखना है कि इसका मेन स्पॉन्सर कौन बना है अडानी स्पोर्ट्स लाइन अडानी स्पोर्ट्स लाइन जो कि एक अडानी ग्रुप का स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें मैनुफैक्चर करती हैं तो ये अब बने हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी गेम्स होंगे एंड स्पेशली जो होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें ये क्या रहे प्रिंसिपल यहाँ पर उसके स्पॉन्सर रहे ठीक है बिल्कुल सही है फोर्थ स्पोर्ट पे रहा विथ सिक्सटी वन मेडल्स टोटल मेडल्स एकदम सही है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर और गोल्ड मेडल्स कितने जीते इंडिया ने कितने टोटल गोल्ड मेडल्स जीते बिल्कुल सही है अमन ट्वेंटी टू गोल्ड मेडल्स जीते हैं सिक्सटीन सिल्वर एंड ट्वेंटी थ्री ब्रॉन्स मेडल्स यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया रहा टॉप पर विद वन सेवेंटी एट मेडल्स तो ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या रखना है दिस इज द सेकेंड टाइम दैट अडानी ग्रुप हैज़ कम ऑन बोर्ड ऑन आई यानी कि इससे पहले ये टोक्यो ओलंपिक्स में भी प्रिंसिपल स्पॉन्सर थे किसके साथ

मेंस इवेंट में जो कि सनसेट टूर हुआ था किधर हुआ था सनसेट टॉर हुआ था लॉस एंजल्स में तो इन्होंने छः साल पुराना रिकॉर्ड जो पहले सूर्या लोगाथन लोगानाथन ने बनाया था उसको इन्होंने सरपास कर दिया है इनका यहाँ पर जो टाइमिंग रहा वो रहा एट मिनट फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइनटीन सेकेंड्स ये आपको याद रखना है इससे पहले लोगानाथन ने कितना किया था तो वो नाइन मिनट्स फोर पॉइंट फाइव सेकेंड्स था नेक्स्ट इज यर पोल वॉल्टर आर्मंड प्लैंत इम्प्रूव हिज ओन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्या किया है इम्प्रूव किया है तो इन्होंने इनका जो प्रीवियस मार्क था जो कि इन्होंने 2020 में रोम में कितना सेट किया था 6.15 का उसको इन्होंने यहाँ पर ब्रॉक किया है और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी कितने का रहा सिक्स मीटर्स का यहाँ पर ये रहा है ठीक है तो इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड रहा सिक्स का, इसको किया है कहां पर इंप्रूव किया है तो याद रखना स्टॉक डायमंड लीग मीट पर जहां पर आपका नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट इज एयर अलॉर्डा कप जो हुआ उसमें आ, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस अल्फिया पठान एंड गीतिका क्लिंच गोल्ड मेडल एलोर्दा कप में यहां पर यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान एंड गीतिका ने गोल्ड मेडल यहां पर जीता है एलोर्दा कप कहां पर हुआ तो याद रखना है नूर सुल्तान कजाकिस्तान में इधर हो, होता है इसके अलावा दो और फीमेल बॉक्सर्स रही हैं इंडिया से एक का नाम है कलाई श्रीनिवासन एंड दूसरी कौन सी है जमुना बोरो इनको क्या मिला है इनको मिला है सिल्वर मेडल तो गोल्ड बोलेगा तो कौन सी होगी आल्फिया होगी और गितिका होगी सिल्वर बोलेगा तो कलावानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो होंगी यहाँ पर एटी वन फाइनल के अंदर आल्फिया जो है उसने किसको डिफीट किया लज्जत को डिफीट किया जबकि गीतिका जो है उन्होंने किसको यहाँ पर हराया तो इन्होंने कलावानी जो है उनको फोर्टी एट कैटेगरी के अंदर

जो है उन्होंने अपना करियर का फर्स्ट फार्मूला वन रेस जीता है विद ग्रैंड ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्री यानी कि कार्लो सेन जो है इनके करियर का फर्स्ट जो इनका रेस जो है ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता अदरवाइज ये जर्नली हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हैं या थर्ड नंबर पे हैं तो इनका प्रॉपर एक ग्रैंड प्रिक्स में यहाँ पर इनका फर्स्ट फॉर्मूला वन विक्ट्री हुआ जो कहाँ पर होता है सिल्वर स्टोन में होता है ऑन इज वन फिफ्टी एथ रेस स्टार्ट यानी कि इससे पहले डेढ़ सौ रेसेज ये कर चुके हैं जिसमें से ये इन्होंने जीता है तो आपको याद रखना है इसी के साथ में ये पहले स्पेनिश ड्राइवर बने हैं जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे रहे सिंस फर्नांडो अलोंजो लास्ट विन इन 2013 तो ऐसा कोई स्पेनिश प्लेयर जो पहले जीता हो फर्स्ट नंबर पे रहा हो तो वो थे फर्नांडो अलन्सो 2013 में 2013 के बाद में पहला स्पेनिश प्लेयर जो टॉप पर रहा फर्स्ट पोजीशन किया वो था कार्लो सेंस नेक्स्ट इज ऑन से जेब्योर बिकम्स फर्स्ट अरब वुमेन अरब वुमेन टू रीच आ ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल टू फेस मारिया फॉर विम्बल्डन फाइनल फिनालिस यहाँ पर वर्ल्ड नंबर टू ऑनेस जेब्योर जो है जो कि कहाँ के हैं तुनिस के हैं ये पहली ऐसी अरब वुमेन बनी जो ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं ठीक है थीके? तो ये आपको याद रखना है इसके अलावा जो बाकी के यहाँ पर न्यूज है वो भी देख लेते हैं इंडिया जो है इन्होंने दो सौ पंद्रह की जो टुकड़ी है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में यहां पर भेजी जिसके अंदर इन्होंने बोला हम एक जेंटर नहीं, नहीं तो यानी कि आठ मेन है तो एक वुमेन तो ऑलमोस्ट यहां पर इक्वल uh, गए फ्रॉम बोथ द जेंडर्स तो ये आपको याद रखना है दूसरा यहां पर सबसे बड़ी टुकड़ी थी वो एथलीट और हॉकी की यानी कि दोनों में से 36 36 प्लेयर्स एथलीट एथलेटिक्स में से भी स प्लेयर्स थे और हॉकी तरफ से भी थर्टी सिक्स प्लेयर्स भेजे गए ठीक है अब यहाँ पर आई ओ एज चोजन राजेश भंडारी फॉर शेफ़ दे मिशन रोल एंड भंडारी इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ द हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन नेक्स्ट यहाँ पर है ओलंपिक मेडलिस्ट जो है मुन्ख बयार दौर सोरेन इनको अपॉइंट किया गया इंडिया की पिस्टल टीम का फॉरन कोच ठीक है तो मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब है तो मैं कई बार कन्फ्यूज भी हो जाती हूँ तो आई थिंक मैं सही प्रनास कर रही हूँ मुखबियार दॉर्ज सुरेन जो हैं इनको ये चीफ फॉरन कोच बनाए गए हैं हमारे इंडिया की पिस्टल टीम के क्योंकि अभी इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्ल्ड कप होने वाला है चांग वॉन्ग कोरिया के अंदर जो कि 9 जुलाई से यहाँ पर शुरू हुआ उसके लिए बनाया जाएगा नेक्स्ट इज ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मलेशिया ओपन के यहाँ पर जो रिज़ल्ट रहे इसमें डैनिश यानी कि डेनमार्क के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सलसन इन्होंने जीता मैन सिंगल टाइटल इन मलेशिया ओपन फिर आपसे पूछेगा विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता मलेशिया ओपन में तो ये थी थाईलैंड की प्लेयर जिनका नाम है रश्ता नो रश्तानोक नोन ठीक है अगेन मैं बोल रही हूँ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है मेन्स डबल चैंपियनशिप जी का ताकुरो होकी और युगो ने तो ताकुरो और युगो जो है ये हैं जापान से वेमेन्स डबल चैंपियनशिप जीता अप्रियानी एंड सीती फाडिया ने ये कहाँ से हैं इंडोनेशिया से हैं मिक्स डबल जीता है चाइना के जेंग सिवाई और हुआंग ने इन्होंने इन्होंने ये टाइटल जो है थर्ड टाइम रिटेन करके रखा इससे पहले भी ये दो बार जीत चुके हैं टोटल प्राइस दिया गया पर मलेशिया ओपन टाइटल चला तो ये चला ट्वेंटी लेकर थर्ड जुलाई तक नेक्स्ट इज जो कि कहां से बिलोंग करते हैं किसका दोबारा एक्सप्लेन करना है Uh, कुलदीप जो भी दोबारा एक्सप्लेन करना है मुझे बता दीजिएगा एक बार ओके okay, नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं क्योंकि ये बहुत ही रैपिड फायर टाइप रहता है बिकॉज मुझे सारा इसमें देखो ऐसा होता है इंट्रैक्शन नहीं होता है तुम्हारे और मेरे बीच में मेरा यहाँ पर सिंगल खुद का ही चलता है मोनोलॉग टाइप ही चलता है तो इसलिए कई बार मैं कॉमेंट्स सेक्शन देख नहीं पाती हूँ नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया के उन्होंने किसको हराया है निक किर्ग्योस को हराया अब निक किग्योस किसके हैं ऑस्ट्रेलिया के सी आजकल जो भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहला तो किसने जीता दूसरा किसको हराया तीसरा वो जीतने वाले की कंट्री कौन सी यार चौथा कि वो जो जीतने वाले की कंट्री का नाम याद रखना है एंड एक चीज़ और साथ में याद रख सकते हो वो है कि ये जो गेम हुआ जो भी वो टूर्नामेंट हुआ वो कौन सी जगह पर उसका वेन्यू आपको याद रखना है सो दीज आर द टॉप थ्री और फोर थिंग्स जो यहाँ पर फोर फाइव थिंग्स जो आप याद रख सकते हो तो नोवाक ने हराया निक को नोवाक है सर्बिया से निक है ऑस्ट्रेलिया से और क्या जीता विम्बल्डन टाइटल जीता कौन से एडिशन का था सेवन एडिशन का था और कहाँ पर हुआ ये भी याद रख जरूरी जीत हैं और के इनके जो रॉजर फेडरर के साथ इनका ट्राय चल, ट्राय चल रहा था यानी कि दोनों का सेम सेम था वो एक यहां पर क्या किया है इन्होंने बीट कर दिया कि एक मैच यहां पर एक टाइटल अबव निकल चुके हैं किससे रफेल नडाल से ठीक है तो यहां पर आपको याद रखना है और एलेना रेबियाकिना जो कि कजाकिस्तान की उन्होंने विमेन्स ट्रॉफी जीती तो विम्बल्डन टाइटल मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है मेंस कैटेगरी में नोवाक ने जीता है और अगर बोलेगा विमेंस ट्रॉफी यानी कि वेमेन्स वर टाइटल किसने जीता तो वो एलेना रेबियाकिना ने जीता है जो कि कजाकिस्तान से है किसको हरा के ऑनस्ट जेब्योर को अभी ओनस्ट जेब्योर के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट क्या बनी यहाँ पर फर्स्ट अरब वुमेन बनी जो कि ग्रैंड स्लैम विम्बल्डन के सेमीफाइनल्स में गई लेकिन ये यहाँ पर जीत नहीं पाई लेकिन रनर

ये ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा इंडिया के लिए क्या लेके आते हैं ब्रॉन्स मेडल लेके आते हैं आर्चरी में और यहाँ पर फर्स्ट एवर ये मेडल रहा इस आर्चरी के अंदर और किसको हराया तो कैनेडा के जो एंट्रिया बेकेरा और मिगुएल बेकेरा हैं इन दोनों की जोड़ी को हराया अभिषेक एंड ज्योति ने यहाँ पर ये वर्ल्ड आर्चरी गेम्स का एलिवेंथ एडिशन जो हो रहा था वो किधर हो रहा था बर्मिंगम अल्बामा यूएसए के अंदर कब से कब तक सेवन से लेके सेवेंटीन जुलाई तक नेक्स्ट इज हेयर जिम जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स जो है वो ये टॉप टू स्पोर्ट्स में गए किसमें मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो हुआ तो यहाँ पर होस्ट कौन था जिम्बावे जहाँ पर ये मैचेस हो रहे थे और इसके अंदर जो टाइटल चैंपियन बन के आया वो था नीदरलैंड्स उन्होंने यहाँ पर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड जो हुआ किधर बुलावायो के अंदर वहाँ पर ये सेमीफाइनल्स के अंदर ये जीते हैं और ये दो फाइनल टीम रही जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अक्टूबर होगा उसके लिए भी इनका क्वालिफाई इन्होंने किया है इस साल जो टूर्नामेंट हुआ वो एट्थ एडिशन रहा आई सी सी मैं क्रिकेट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप का नेक्स्ट इज है इंडियन मैन टीम बैक सिल्वर मेडल एट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप आई मतलब इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का अगर मैं आपसे पूछू वेयर आर आर दी हेड शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन तो आंसर इधर क्या होगा दूसरा ये वर्ल्ड कप चला शूटिंग से रिलेटेड यानी कि जो आपका शूटिंग गेम होता है ना उससे रिलेटेड तो इंडिया की जो मेन्स टीम गई वो ट्वेंटी फाइव मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम जो थी उसके अंदर कौन कौन थे एक तो अनिश थे दूसरे विजय वीर थे और तीसरे कौन थे समीर इन तीनों की टीम ने क्या जीता सिल्वर मेडल जीता यानी कि गोल्ड नहीं जीत पाई है ये जो वर्ल्ड कप हुआ ये कहा पर हुआ चांग वॉन जो कि कहां पर पड़ता है साउथ कोरिया के अंदर हुआ यहां पर इंडिया जो है उसने टॉप स्पोर्ट मेडल टेबल में मेंटेन किया जिसमें इंडिया ने पांच गोल्ड छः सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल जीते नेक्स्ट यहाँ पर है एशिया कप ये कहाँ पर होने वाला है यू यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर एशिया कप होने वाला है जो कि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर होने वाला था अब उसको शिफ्ट कर दिया है यू में और बी के प्रेजिडेंट कौन है सौरभ गांगुली और इसके सेक्रेटरी कौन है जेषाह जिनको अभी आई क्रिकेट कमेटी के बोर्ड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी चुना गया है एशिया कप होने कब से वाला है तो सत्ताईस अगस्त से ये शुरू होगा और ग्यारह सितंबर को ये ख़त्म होगा टी फॉर्मेट में ये होने वाला है नेक्स्ट इज ईयर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का जो हुआ उसमें सिडनी मैकवालन जो है उन्होंने 400 मीटर हर्डल्स में गोल्ड मेडल जीता और रिकॉर्ड भी इधर तोड़ा तो सिडनी मैकवालन जो है इन्होंने फोर मीटर वीमेन हर्डल्स रेस जो होती है ना बाधा दौड़ होती है उसमें चार मीटर की बाधा दौड़ में इन्होंने ना केवल उसको जीता है बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ा है बाईस साल की हैं अमेरिका की हैं ये अमेरिका इनकी नेशनालिटी अमेरिकन है ये और दूसरी इन्होंने जो टाइमिंग इनका रहा वो रहा 50.68 पॉइंट के अंदर 400 हंड्रेड मीटर हर्डल्स रेस इन्होंने जीता और ये पहली ऐसी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी एक विमेन अथलीट ने यहां पर 51 वन के अराउंड यू नो ऑलमोस्ट नॉट इवन 51 वन सेकंडी पॉइंट सिक्सटी एट के अंदर इन्होंने तोड़ा है इनका पहले रिकॉर्ड रहा वो 51.41 सेकंड्स का रहा और अब ब्रेक करके 50.68 सेकंड हो गया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई रिकॉर्ड तोड़ता है तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड और करंट रिकॉर्ड दोनों याद रखने होते हैं नेक्स्ट इज यार वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुआ उसमें एल्डेह पॉल बने पहले इंडियन जिन्होंने क्वालिफाई किया ट्रिपल जंप फाइनल के लिए और लास्ट में कौन से नंबर पर रहे नाइन्थ नंबर पर फिनिश किया तो एल्डे होस पॉल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले इंडियन बने हैं जो ट्रिपल जंप के अंदर जिन्होंने फाइनल्स के लिए यहां पर क्वालिफाई किया था और टॉप टेन पोजिशन में भी आए हैं इन्होंने यहां पर थ्री जंप किए जिसमें से हाइएस्ट थी सिक्सटीन मीटर का इनका हाइएस्ट जंप रहा इतने मेजरमेंट के साथ में इन्होंने पहले अपना पर्सनल बेस्ट भी इन्होंने अचीव किया है तो पहले मीटर जो था इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था लेकिन यहां पर इन्होंने उसको और इंप्रूव करके 16.79 मीटर जो है इनका पर्सनल बेस्ट रहा जो इन्होंने तय किया नेक्स्ट इज यारेक्स वर्स्टअप एंड विंस फ्रेंच ग्रैंड And BREAKS फ्रांस की जो फ्रेंच ब्रांड प्रिक्स हुई उसको जीता किसने उसको जीता मैक्स वॉस्टापेन ने किसको हराया यहाँ पर चार्ल्स जो है वो यहाँ पर क्रैश हो गए थे वाइल्ड लीडिंग द रेस यहाँ पर रेडबुल के लिए मैक्स वोस्टापेन जो ड्राइव करते हैं इन्होंने फिनिश किया ओवर टेन सेकेंड्स अहेड ऑफ लुइस हैमिल्टन हैमल्टन मर्सिडीज मेड जॉर्ज रसल ओवर टुक द बुल ऑफ सर्जियो पैरिस इन द क्लोजिंग लैप्स टू क्लेम थर्ड क्या कहने का मतलब है फर्स्ट पे रहा मैक्स वॉस्टापेन जबकि यहाँ पर फरार चलाने वाले चार्ल्स जो हैं वो उनका गाड़ी क्रैश हो गया था सेकंड नंबर पर रहे लुइस हैमिल्टन जो कि के लिए चलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं नेशनैलिटी उनकी वही है ब्रिटिश है ये और मैक्स वर्टेन जो है ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं अगर आपसे पूछेगा जॉर्ज रसल हैं ये किससे बिलोंग करते हैं तो ये भी ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और सर्जियो ऑफ ये जो यहां पर रहे ये फोर्थ रहे और थर्ड कौन रहे जॉर्ज रसेल जो कि मर्सडीज़ के लिए ही ड्राइव करते हैं तो जॉर्ज रसल मर्सडीज़ और ग्रेट ब्रिटेन दोनों सेम है जॉर्ज रसल और लुइस हैमिल्टन के बीच में नेक्स्ट इज यार इंडिया टू होस्ट 2025 ट्वेंटी फाइव वेमेंस ओडियाई वर्ल्ड कप 2025 हज़ार पच्चीस का वेमेन्स ओडिया वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसको कौन होस्ट करेगा इंडिया होस्ट करेगा ओडिया क्या होता है जिसमें फिफ्टी ओवर का मैचज़ होते हैं ये वर्ल्ड कप होगा दो में और यहाँ पर एक मेगा इवेंट हुआ था जिसमें जो बिट थी वो किसने जीती यहाँ पर बी ने इंडिया के अंदर इसे पहले इंडिया ने 1978, 1997 और 2013 में भी होस्ट किया हुआ है वेमेन ओडीआई वर्ल्ड कप को बांग्लादेश जो है वो 2024 का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओडीआई एंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप अगर बोलेगा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है वो कब होने वाला है दो में ओडीआई वर्ल्ड कप कब होगा 2025 में 2024 का टी ट्वेंटी यानी कि जिसमें ट्वेंटी ओवर्स वाला होता है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा और 50 ओवरों वाला 2025 के अंदर इंडिया उसको होस्ट करेगा फिर उसके बाद में इंग्लैंड को 2026 एडिशन मिला है और श्रीलंका जो है उसको इनग्रल टी ट्वेंटी चैम्पियंस ट्रॉफी जो मिली है टी में तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम है जो यहाँ पर कंडक्ट होने वाले हैं नेक्स्ट इज हेयर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के अंदर अरमांड दुपलैन तिस ब्रेक्स ओन पोल वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड रोटे गोल्ड यानी कि इनको एक तो गोल्ड मेडल मिला उसके साथ में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया कहाँ से हैं अरमान डुपलेंटिस ये स्वीडन के हैं इन्होंने अपना पोल वॉल्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है टाइटल है वो तोड़ा है इन्होंने यहाँ पर सिक्स मीटर जो है वो इसके साथ में इनका जो ये आ, जो स्कोर रहा वो ये रहा इतने का इनका यहाँ पर स्कोर रहा है और इनका कोई भी राइवल जो है वो 5.94 मीटर से आगे नहीं निकल पाया ही वॉज द ओनली वन दैट हैज़ क्लियर सिक्स मीटर से ज़्यादा करने वाले यही बने हैं और इन्होंने गोल्ड सिक्योर किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी और ने इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही यहाँ पर सिक्स मीटर जो है वो क्लियर कर लिया डुपलैंटिस जो है उन्होंने अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिक्स मीटर का यहाँ पर क्या किया है सेट किया था बेलग्रेड में मार्च के अंदर एट द

यूएस के बाद में सेकंड नंबर पे रहा इथोपिया जिन्होंने चार गोल्ड चार सिल्वर और दो ब्रॉन्स जीते और थर्ड नंबर पे रहा जमाइका जिसने तीन गोल्ड जीते यहाँ पर uh, सॉरी ती, तीसरे नंबर पे जो जमाइका है वो यहाँ पर आता है फॉलोड बाय केनिया चाइना ऑस्ट्रेलिया एंड पिरू एंड पोलैंड और अगर आपसे पूछेगा इंडिया कौन से नंबर पर रहा थर्टी नंबर पर जहाँ पर इंडिया को सिर्फ एक सिल्वर मेडल आया अगर आपसे यहाँ पर यह पूछता है तो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है दैट इंडिया वोन ओनली वन सिल्वर मेडल In World of 2022, इकलौता सिल्वर मेडल आया ये कौन लेके आया तो आंसर यहाँ पर क्या होगा उसके साथ में ये बने फर्स्ट एवर इंडियन ही क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग सिल्वर मेडल इन जैवलिन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर जैवलिन थ्रो के अंदर द फर्स्ट इंडियन हु हैज एवर वन सिल्वर मेडल तो आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या होगा नीरज चोपड़ा लेके आए थे ही बिकेम द फर्स्ट वन तो ये पहला और आखिरी इकलौता सिल्वर मेडल था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर अगर आपसे पूछू कि इनका थ्रो इसमें कितने का रहा तो 88.13 मीटर के थ्रो के साथ में ये यहाँ पर सिल्वर मेडल लेके आए नीरज चोपड़ा इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप नेक्स्ट इज यारिंद बिंदराय बिंदिया रानी देवी विन सिल्वर इंडिया फोर्थ वेट लिफ्टिंग मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी जो है उन्होंने

गोल्ड मेडल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि इंडिया का पहला मेडल और पहला गोल्ड मेडल जो है वो कौन जीत के लाए तो इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीत के लाई मीराबाई चानू और इन्होंने गेम रिकॉर्ड जो है विमेन वेट लिफ्टिंग के अंदर उसको भी तोड़ फोड़ के रख दिया तो यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए इनसे उम्मीद भी थी और इन्होंने अपनी उम्मीद पे कायम भी रही और पहला गोल्ड मेडल आती है वीमेन 49 नाइन के जी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के अंदर तो अब यहाँ पर इन्होंने इससे पहले चानू जो है उन्होंने गोल्ड मेडल पिछले चार साल पहले जीता था गोल्ड कोस्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली टू हंड्रेड वेट जो है उठाया स्नैच के अंदर कितना उठाया एटी एट उठाया और क्लीन एंड जग के अंदर कितना उठाया हंड्रेड एंड थर्टीन पर उठाया और पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम

आपका एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं डॉट जो है डॉट जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्यूनिकेशन इसने यहाँ पर किसके साथ में एग्रीमेंट ज्वाइन किया आई के साथ में ज्वाइन किया आई लिमिटेड के साथ में और बी जो है इनके यू प्रोजेक्ट्स जो है उनको फंडिंग करेगा उनको आ, फंड्स जो हैं जो भी फाइनेंसिस है प्रोवाइड करेगा अब बात आती है यूएस क्या है तो ये है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड तो इसमें आपको तीन नाम याद रखने हैं डॉट बी और आई लिमिटेड ये यहाँ पर सबसे पायलट प्रोजेक्ट यानी कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं किससे रिलेटेड है ई बैंड e और एलटीई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इंडिया के अंदर खुद बनाई जाएंगी किससे रिलेटेड है फोर जी और फाइव जी प्रोटोटाइप डॉट के साथ में बनाए जाएंगे यानी कि सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन वो इसको करेंगे दूसरा USOF जो है USOF मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड ये एक आपका पचपन हजार करोड़ रुपए का रिजर्व है एक फंड है जहां पर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल और रिमोट एरिया जो बहुत दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक फंड बनाया गया है जिसमें से ये पैसा जो है रूरल और रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाएगा तो अभी इस फंड के अंदर कितना पैसा दे रखा है पचपन हजार करोड़ रुपीज़ इस फंड के अंदर डाले हुए हैं ये रिजर्व अमाउंट है नेक्स्ट इज यार एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है ईजी डिनर के साथ में टू लॉन्च डाइनिंग डिलाइट्स इजी डिनर क्या है ये एक आपका यू नो टेबल रिजर्वेशन ऐप है जहां पर आप फ़ूड डिस्कवर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ़ फ़ूड वेन्यूज़ आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट्स आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो अपना टेबल रिज़र्व कर सकते हैं वहां पर तो टेबल्स बुक कर सकते हो किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर तो ईजी डिनर जो है इस टाइप की सर्विसज प्रोवाइड करता है इसके साथ में पार्टनरशिप किया है एक्सिस बैंक में और ये यहाँ पर ना दस हज़ार से ज़्यादा जो प्रीमियम रेस्टोरेंट हैं इंडिया और दुबई के अंदर वहां पर इनको ना कुछ एक बेनिफिट्स दिए जाएंगे इन कार्ड का यूज करने पर ठीक है ये आपको याद रखना है और इजी डिनर का फाउंडर कौन है कपिल चोपड़ा नेक्स्ट इज येयर री न्यू पार्टनर्स विद यू एन ई पी री न्यू क्या है और यू एन ई पी क्या है यू एन ई पी है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो कि एन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज एक्शन है इंटरनेशनल लेवल पर देखता है और इसके साथ में पार्टनरशिप किया है री न्यू पावर ने जो कि एक ग्रीन एनर्जी फर्म है जो कि बिलीव करती है ऐसी एनर्जी जनरेशन पे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो क्लीनर एनर्जी हो यानी कि एनवायरमेंट को साथ लेके सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रीन एनर्जी बेसिकली यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हैं वो वाला ठीक है इसके साथ में इन्होंने सेवा के साथ में भी पार्टनरशिप किया वट इज सेवा सेवा इज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो इसको सेवा बोला जाता है जहां पर एक हजार लो इनकम वेमेन जो है जिनकी बहुत कम आय जो होती है वो कम, बहुत कम कमाई जिन की होती है तो ऐसी को ये क्या करेंगे पैन वर्कर्स टू वर्क इन रीन्यूएल इंडस्ट्री जिनको कहां पर डालेंगे इंडस्ट्री में डालेंगे ठीक है अब आपको क्या याद रखना है कि प्रोजेक्ट सूर्य जो है वो चलाया गया है इसके लिए ठीक है और क्या है सॉल्ट पैन वर्कर्स क्या होते हैं जो सॉल्ट से रिलेटेड जितना भी पैन इंडिया जितनी भी वर्कर्स हैं उनमें से ऐसी थाउजेंड लो इनकम वेमेन को ट्रेन किया जाएगा रिन्यूएबल इंडस्ट्री में एंटर कराने के लिए नेक्स्ट इज स्टार हेल्थ जो है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ठीक है तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी उसने बैंक क्या किया है पार्टनरशिप किया है किसके साथ में आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के साथ में आई एफ डी फर्स्ट क्या है ये एक बैंक है जो किसके साथ में ज्वाइन किया है जिसने स्टार हेल्थ के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ऑफर करेंगे जितने भी इस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको ये स्टार हेल्थ का जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो बेचेंगे बेसिकली नेक्स्ट इज यार एमएच एम एस डी साइन एमओयू यू टू फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन कैपिटल गुड्स सेक्टर व्हाट इज कैपिटल गुड्स सेक्टर देखो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं जैसे कि जो भी आपके पूंजीगत रिलेटेड वस्तुए रहती हैं जैसे मशीनरी है आपकी एंड टूल्स हैं इक्विपमेंट्स हैं एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंट यू नो कैपिटल इन्वेस्टेड जहाँ पर पैसा बहुत चाहिए होता है तो ऐसे टाइप के कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा और इसके साथ में एम एच आई एम एच आई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रीनियरशिप जो है उन्होंने एम ओ यू साइन किया कैपिटल गुड सेक्टर में तो दो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ़ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्रीज़ और किस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड

पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है उसके साथ में इन्होंने क्या किया है एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए ये अर्थक्विक वार्निंग सिस्टम लाएंगे तो सी एस आई आर सी एस आई ओ जो टर्म है उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ में जो कि कहाँ पे बेस्ड कंपनी है न्यू डेली बेस्ड कंपनी है तो इसको ये क्या करने वाले हैं अगले पाँच सालों के लिए ये क्या करने वाले हैं इनका कमर्शलाइजेशन पार्टनर बनाया है इन्होंने नेक्स्ट इज़ है उसके साथ साथ अर्को एक वार्निंग सेंटर भी इस सिस्टम भी लेके आएंगे नेक्स्ट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए आई ए आई जो है उसने क्या किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ में पांच एयरपोर्ट के ऑपरेशन ऑन मैनेजमेंट के लिए यानी कि उसको शुरू करने से लेके उसका प्रबंधन करने तक ऐसे पांच एयरपोर्ट का यूपी के अंदर कौन उसको देखेगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने उसके साथ में किया है तो यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्वामित्व में आने वाले जो पांच ऐसे एयरपोर्ट हैं उनको तीस सालों के लिए यहाँ पर क्या करेंगे उसके लिए ये ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है दीज फाइव एयरपोर्ट्स आर अलीगढ़ एयरपोर्ट आजमगढ़ एयरपोर्ट चित्रकूट एयरपोर्ट मयूरपोर एयरपोर्ट एंड श्रवस्ती एयरपोर्ट इन पाँचों के नाम याद रखने ज़रूरी हैं स्टाफ मार्क स्टार मार्क इधर लगा देती हूँ आप लोगों के लिए ओके इजी हो जाएगा नेक्स्ट इज ईयर एन सी आर टी सी डी बी इंडिया साइंस पैक्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ डेली गाजियाबाद मेरठ आर आर टी एस कॉरिडोर यहाँ पर एन सी आर टी सी क्या है एन सी आर टी सी इज़ बेसिकली नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन जो कि बेसिकली आपका डेली एन सी आर जो नेशनल कैपिटल रीजन के अंडर जितना भी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसको देखता है तो यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ यानी कि देखो दिल्ली के आसपास गाजियाबाद है गांव है फरीदाबाद है ये सारे एनसीआर जोन में आते हैं यानी कि हमारी नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है उसके उसके अराउंड आते हैं तो यहां पर उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को क्या किया जाएगा इनको कनेक्ट किया जाएगा तो ऐसा एटी किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बेसिकली क्या होगा ये कि रोड वगैरह बना रहे हैं और 12 सालों के लिए एक ये यहां पर कॉरिडोर जो है उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कौन देखने वाला है यहां पर तो ये आपका देखेगा का, NCRTC. ये आपको याद रखना है Next यार, और DB India क्या है और क्या एक है AG, जो कि एक नेशनल रेलवे की है है ये DB India. ठीक है? तो इसके साथ में ज्वाइन किया है किसके लिए इस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को ये maintain करेंगे operate भी करेंगे भी यह नेक्स्ट इज ईयर इंडिया और अर्मेनिया जो है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अर्मेनिया के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लागू करने के लिए यह सीधा सीधा है इंडिया और अर्मेनिया के बीच में किस लिए हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट समुदाय के विकास के लिए हुआ नेक्स्ट इज ईयर इंडियन बैंक साइन एम ओ यू विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नाउ दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट वन हरियाणा के साथ में क्यू पैक्ट ज्वाइन किया है क्योंकि इन्होंने बोला है दे आर गोइंग टू डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स टू कंज्यूमर थ्रू ई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम यानी कि डिजिटल डिजिटल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम मतलब यूपीआई यूपीआई कैसा इलेक्ट्रॉनिक जो यूपीआई सिस्टम है उसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोबाइल फोन्स कंज्यूमर्स के लिए बैंक वुड प्रोवाइड ई यूपीआई कूपन्स टू बेनिफिशियरीज इनको कुछ एक कूपन्स दिए जाएंगे जो कि इनके बेनिफिशियरीज़ को मिलेंगे तो इंडियन बैंक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नेक्स्ट इज हेयर कि ये जो कूपन है ये रिडीम करा सकते हैं चाहे किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो चाहे ना हो वो यहाँ पर ये कूपन यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक शॉप ओनर के पास में जाके जहाँ से भी वो मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं वहाँ पर और ये जो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन मेला है ये ऑर्गेनाइज़ कराए गए हैं इंडियन बैंक द्वारा इन हरियाणा नेक्स्ट इज हेयर रशिया साइंस पैक्ट देखो क्यों किया जा रहा है मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करा रहे हैं क्योंकि देखो डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो डिजिटलाइज कब होंगे जब मोबाइल पास, पास में होगा स्मार्टफोन पास में होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तभी तो क्या होगा देश डिजिटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कुमार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यह पर है तमिलनाडु में लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है इंडिया का तो आंसर क्या होगा लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट या फिर थर्ड लार्जेस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार सो दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया तमिलनाडु में ये चलाया गया है और आपको याद रखना है कि ये ना इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है यानी कि यहाँ पर रशिया की जो न्यूक्लियर कंपनी है नाम है उसका रोसातोम स्टेट कॉरपोरेशन उसने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है कि ये क्या सप्लाई करेंगे चार पावर यूनिट्स जो हैं कुलम में ये सप्लाई करेंगे ये क्या हैं ये सप्लाई करने वाले हैं थर्मा कपल्स थर्मा कपल्स जो हैं ये चार पावर यूनिट्स को सप्लाई किए जाएंगे कुंदन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पर ठीक है नेक्स्ट इज हेयर इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिक्स इंडियन स्टेट साइन डेक्लरेशन ऑफ़ इंटेंट टू कम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छः इंडियन स्टेट जो हैं उन्होंने डेक्लरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ पर उसको कॉम्बैट करने के लिए उसको डील करने के लिए तो ये आपको याद रखना है ये छह स्टेट्स में चलाया जाएगा छह स्टेट्स में इसको साइन किया गया है वन इज़ तेलंगाना दूसरी है आंध्र प्रदेश तीसरा है कर्नाटक चौथा है केरला फिफ्थ वन इज ओडिशा एंड दिक्कत वन इज तमिलनाडु ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यहाँ पर रोकने के लिए ये दो दिन का साउद रीजनल कंसल्टेशन के उधर ये साइन हुआ है और इसको होस्ट किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने किसके साथ में प्रज्वला और शक्ति वहिनी के साथ में जो कि एक एन जी ओज हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में कोलाबरेट करके शुरू किया नेक्स्ट इज एयर पी एन बी पंजाब नेशनल बैंक साइन एम ओ यू विद इंडियन एयरफोर्स फॉर पी एन बी रक्षक प्लस स्की अच्छा मैंने कल आपको बताया था इंडियन एयरफोर्स ने काफी सारे के साथ में बैंक जो हैं उन्होंने क्या किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और बेसिकली वो किसके लिए था सैलरी पैकेज के लिए था तो एक था डिफेंस सर्विसेज सैलरी पैकेज स्कीम जो था वो किसने साइन किया था एक था आपका एस एंड एक और दूसरा बैंक था कोई मुझे उसका नाम बता सकता है वो दूसरा बैंक कौन सा था और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पी एन रक्षक रक्षक प्लस जो है ये भी इसने किसके साथ ज्वाइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ में ज्वाइन किया है और स्कीम का नाम है पी रक्षक प्लस ये स्कीम जो है ये क्या करेगी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जितने भी रिटायर्ड हो चाहे ऑलरेडी सर्विंग एयरफोर्स मिलेगा ठीक है नेक्स्ट इज एयर एच डी एफ सी बैंक टाइज विद सेल्स फोर्स टू री इमेजिन द कस्टमर लाइफ साइकिल जो है ये एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी है जिसके साथ में यहां पर एचडीएफसी ने ज्वाइन किया है ताकि यहां पर कस्टमर की जो प्रायोरिटीज है उनको रखा जा सके कैसे वो कस्टमर्स का लाइफ साइकिल जो है उसको वापस से यहाँ पर बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके लिए किसके साथ साथ में के साथ में सेल्स सेल्स फोर्स फोर्स के का म्यूल सॉफ्ट जो है एक यूनिफाइड सॉल्यूशन है जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन इंटीग्रेशन किया जाता है रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स नेक्स्ट इज हेयर आर आर यू एंड द्रोणाचार्य साइन एम ओ यू टू सेट रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर आर आर यू क्या है यह है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है इन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ड्रोना ड्रोन आचार्य ठीक है तो ड्रोन आचार्य ये एक क्या है ये एक कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये क्या कर रहे हैं ये दोनों मिलकर एक रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बना रहे हैं जहाँ पर ये ड्रोन उड़ाने की जो स्किल्स है जो कला है वो लोगों को सिखाएंगे तो ये ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली पुलिस और सिक्योरिटी फो, सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए होगी लेकिन बाकी सिटीजन जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इस टाइप की ट्रेनिंग लेने में वो यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कैंपस में आके ये इस टाइप की ट्रेनिंग जो है ले सकते हैं तो दिस इज बेसिकली फॉर पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्स जवानों के लिए है लेकिन स्टिल सिटीजन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट नेक्स्ट इज़ एन पी सी आई पार्टनर्स विद जे बी आई एम एस टू ऑफर अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम एंड डिजिटल पेमेंट्स टूएस एम्प्लॉयज़ एन पी सी आई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो है उसने जमुना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है जिसको जे बी आई एम एस कहा जाता है उसमें यहाँ पर यह मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर एक मास्टर्स प्लान जो है प्रोग्राम जो है मास्टर्स के अंदर डिग्री जो है किसके अंदर लाने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स लाने वाले हैं डिजिटल पेमेंट्स के अंदर किसके लिए इनके एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये पहला इस टाइप का एक हाइब्रिड प्रोग्राम जो है चलाया गया

फिफ्टी थाउजेंड स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस मिलेगी ईच वन ऑफ यानी कि गेल को भी और ए को भी कौन प्रोवाइड करेगा ओ एन फील्ड के अंदर जो भी यहाँ पर खूबल का गैस गैदरिंग स्टेशन है वहाँ से ये गैस इनको पहुँचाई जाएगी खूबल जो है ये टेंथ प्रोड्यूसिंग फील्ड है ऑफ ओ इन त्रिपुरा दसवीं ऐसी ऑयल uh, प्रोड्यूसिंग ये जगह है दसवीं ऐसी ऑयल प्रोड्यूसिंग मैनुफैक्चरिंग फील्ड है ये खूबल की जो कि ओ के अंडर आती है त्रिपुरा के अंदर ये पड़ती है नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन स्टोन लेट फॉर एर्थ हाई टेक पार्क इन नाटोर अंडर द इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश यहाँ पर नया एक और आधारशिला रखी गई एर्थ हाई टेक पार्क जो कि नाटोर में यहाँ पर खोला गया जिसमें बांग्लादेश के अंदर इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि यहाँ पर फंडिंग इधर दिया तो जोटी हाईटेक जो 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 का यूएस डॉलर का ये क्या है लोन है जो कि इंडिया ऑफर कर रहा है बांग्लादेश को यह हाईटेक पार्क जो है ये बारह डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश में और यह यहां पर शुरू हुआ था दो हजार में जहां पर यह कमिटमेंट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कमिटमेंट हुआ था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एनर्जी यहाँ पर इंप्रूव की जाएगी जिसमें ऑल्टी ग्रीन जो है उसने आई एस आई कोलकाता के साथ पार्टनर किया है नेक्स्ट इज विप्रो विंस फाइव ईयर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नोकिया फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नोकिया जो है वो अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है जिसके लिए यहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है विप्रो को दिया है कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है पाँच साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें विप्रो जो है वो नोकिया को फुल्ली डिजिटलाइज करेगा यहाँ पर नेक्स्ट इज है ओ एन जी सी इंक्स एम ओ यू विद ग्रीन को टू मैनुफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है उसने एम ओ यू साइन किया ग्रीन को कंपनी के साथ में जहाँ पर ये नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया टाइप के सेक्टर में जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाएगा और उसके ऊपर फोकस किया जाएगा यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इंडिया का जो टारगेट है कि एटलीस्ट फाइव मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन

अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ में बे, बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है वो बनाया हुआ है जिसमें तेलंगाना की गवर्नमेंट का ये स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन इनकी हेल्प करेगा ऐसा कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान के अंदर बनाने में जहां पर पूरी तरीके से ये विमेन जो चलाएंगी इसको ये विमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर भी इधर करेगा तो यहाँ पर ये किसके बेसिस पर बनाया गया तो इसका बेस मॉडल है स्त्री निधि मॉडल ऑफ तेलंगाना नेक्स्ट इज एयर जी का एक्सटेंड ओडीए लोन ऑफ सिक्स करोड़ फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड

करें तो ये हंड्रेड बिलियन जापनीज के वर्थ का है ये यहाँ पर तीसरे थर्ड ट्रांच में दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई से लेके अहमदाबाद का जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके लिए ये रेल जो प्रोजेक्ट है इसका ये लोन एग्रीमेंट जो आया है ये पहले अठारह हजार करोड़ का एक पैकेज कमिटमेंट किया था जीका ने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने दो में किया था कि हम अठारह करोड़ आपको देंगे जिसमें से ये यहाँ पर तीसरे ट्रांच के अंदर छह हजार करोड़ ऑलरेडी इधर दे रहे हैं इंडिया को नेक्स्ट इज हेयर कैबिनेट अप्रूव साइंड साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यहाँ पर नेशनल रूरल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज जिसको हम एन आई भी कहते हैं तो उसके साथ में किसने एम साइन किया है कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किएंगे और ये यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया था नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एम ओ के लिए क्या दिया है अपना अप्रूवल दे दिया है ये एम किसके बीच में होगा पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट साथ यूनिवर्सिटी -साथ है, की ये, है उसके साथ में के लिए? ये सारी चीजें करेंगे और जो आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है ये हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है नेक्स्ट इज एयर इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आईवीपीए जिसे कहते हैं उसने यहां पर एमओ साइन किया विद मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल मलेशिया की जो पाम ऑयल काउंसिल है उसके साथ में इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने एम साइन किया है यहाँ पर पाम ऑयल जो है उसके यूज़ को प्रमोट किया जाएगा इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आपको याद रखना है और ये यहाँ पर मलेशियन पाम ऑयल जो है जो कि सर्टिफाइड एक पाम ऑयल है उसको प्रमोट करने वाले हैं विध म्यूचुअल इंटरेस्ट नेक्स्ट इज एयर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी साइंस कंसेशन पैक्ट फॉर जे एन पर नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जे जो है उसने एक कंसेशन अग्रीमेंट साइन किया है जिसके लिए यहां पर बिड हुआ था कंटेनर टर्मिनल के प्राइवेटाइजेशन के लिए कि ये प्राइवेटाइज उसको कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी को देंगे जिसमें यहाँ पर जे एम बैक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स टर्मिनल जो है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एट करोड़ रुपीज देखो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है है तो सरकारी पोर्ट लेकिन यह ट्रिपल पी मॉडल पर चलाने वाला पहला ऐसा पोर्ट है यानी कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यानी कि कुछ यहाँ पर ओनरशिप पब्लिक यानी कि आपकी सरकार का रहेगा और कुछ प्राइवेट कंपनी का रहेगा तो अब इसका जो कंटेनर टर्मिनल है जहाँ पर से कंटेनर्स वगैरह जो है उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कंटेनर्स भेजे जाते हैं उस टर्मिनल का जो ऑपरेशनल और मैनेजमेंट है ऑपरेशन और मैनेजमेंट है उसका जो अधिकार है एक किसको दे दिया है इन्होंने जे बैक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक टर्मिनल्स को दे दिया है जो कि इसमें 872 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट यहां पर है आपका स्कीम से रिलेटेड तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम कंप्लीट टू ईयर्स इसको अपने दो साल इसने क्या कर लिए हैं पूरे कर लिए हैं यहाँ पर आपको ये याद रखना है इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये लॉन्च हुई थी उनतीस जून दो को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में ये भी आपसे पूछा जाता है कौन से अभियान के तहत लॉन्च हुआ कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और कौन सी डेट को लॉन्च हुआ उनतीस जून दो को लॉन्च हुआ इसलिए उनतीस जून में इसने अपने दो साल कंप्लीट कर लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया अगर आपसे पूछू हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा ये स्कीम अभी फिलहाल 35 स्टेट और यूटीज के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल है यहां पर ये चल रही है नेक्स्ट इज हेयर फ़र्स्ट थर्टी इंस्टीट्यूशन सिलेक्टेड फॉर चिप टू स्टार्टअप स्कीम अनाउंसड एट डिजिटल इंडिया वीक डिजिटल इंडिया वीक चलाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने तीस ऐसे संस्थानों को बोला कि जिनके वो चिप टू स्टार्टअप जिसको सी टू एस भी बोला जाता है ये एक प्रोग्राम चलाया गया था अंडर द इंडिया सेमी कंडक्टरशन यहाँ पर सेमी कंडक्टर्स जो बनाए जाते हैं उसके अंदर जो चिप वगैरह यूज़ होती हैं तो उन चिप्स से ले आप स्टार्टअप तक किस हिसाब से जाएंगे तो ऐसे थर्टी इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया गया है चूज किया गया है यहां पर ये यह फैसिलिटेट करने वाले हैं बहुत ही आईपी कोर सिस्टम यानी कि हम एक तरीके से चिप प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनकर उभरे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनकर यहाँ पर उभरे कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स करना है आरआरबी मेंस के लिए वो भी मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी अभी फ्लो अच्छा चल रहा है तो लेट इट बी लाइक दैट तो यहाँ पर एटी फाइव थाउजेंड ऐसे मैन पावर जो कि सेमी कंडक्टर डिजाइनस वगैरह है जिसमें बैचलर्स मास्टर्स डिग्री और रिसर्च लेवल पर यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट पीपल को ये ट्रेन करने वाले हैं नेक्स्ट इज यर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो हैं ठीक है आपके एम ओ यू मिनिस्टर हैं यानी कि एम ओ एम एच ओ यू ए जो यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी उन्होंने स्वानिधि महोत्सव जो है लॉन्च किया है ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें स्वानिधि स्कीम के सक्सेस के ऊपर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अब यह महोत्सव कब से कब तक मनाया गया तो ये नाइन्थ जुलाई से लेकर थर्टी जुलाई जो है उसको ये ऑर्गेनाइज़ कराया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो कि सेवेंटी सिटीज़ के अंदर अक्रॉस थर्टी स्टेट्स एंड यूटीज में सेलिब्रेट हुआ अगर आपसे पूछेगा स्वनिधि स्कीम कब लॉन्च हुई थी तो ये फर्स्ट ऑफ जून ट्वेंटी को लॉन्च हुई थी इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स ठेले वगैरह वा वाले होते हैं ना उनको ये कुछ एक हेल्प प्रोवाइड कराते हैं लोन्स प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर वो सेल्फ रिलायंट हो सके खुद का कुछ भी काम कर सके नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्चेस थ्री स्कीम्स टू स्ट्रेंथन एम एस एम इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी कि जितना भी आपका दवाइयों से रिलेटेड जो सेक्टर है यहाँ पर तीन नई स्कीम्स जो है इन्होंने लॉन्च की है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है उन्होंने ये स्कीम्स यहाँ पर लाई है कि एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे ये फार्मास्यूट फर्टिस्सूटिकल सेक्टर्स में दूसरा फार्मा के अंदर जितनी भी छोटी और मध्यम वर्गीय जितनी भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको यहाँ पर ये प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ पर बहुत ही बेटर डेवलपमेंट उनका हो सके केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर जो हैं ये उसके भी मिनिस्टर हैं तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पर देखो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर किसके अंडर आता है ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आता है और इन्होंने किस ये स्कीम्स किस प्रोग्राम के तहत चलाई है तो ये स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाला गया, गया? कानपुर में है उसने यहां पर लॉन्च किया है निर्मन एसोलेटर प्रोग्राम दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इसको कौन सपोर्ट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है जहां पर पंद्रह स्टार्टअप जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे जिनको यहां पर ये अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी प्रोडक्ट जर्नी जर्नी जो है वो अपने लैब से मार्केट के अंदर एंटर कर सके यानी कि आप लैब के अंदर जितने भी इनोवेशन कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं वो मार्केट को कैप्चर करें आप सिर्फ रिसर्च से काम नहीं होगा आपको मार्केट में भी उतरना पड़ेगा तो उनको यहां पर अपॉर्चुनिटीज देंगे उनको ट्रेन ये करेंगे तो ऐसे फिफ्टीन स्टार्टअप्स को ये रीच कर रहे हैं जिसके लिए इन्होंने निर्माण एक्सलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है किसने स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर जो कि कहां पर है आईआईटी कानपुर में नेक्स्ट इज ईसीजीसी ईसीजीसी ने लॉन्च किया है स्कीम टू प्रोवाइड एनहांस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट ईसीजीसी क्या है दिस इज एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रेडिट गारंटी स्कीम है कॉरपोरेशन ये है. तो ये जो कॉरपोरेशन है ये एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको कुछ क्रेडिट गारंटी यह देते हैं कि हम आप बाहर एक्सपोर्ट करिए सामान बेचिए बाहर के देशों में हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको फाइनेंशियल हेल्प क्रेडिट लोन प्रोवाइड करेंगे तो ईसीजीसी ने यहां पर नई स्कीम लाई है जहां पर ये एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर जो है ये इनको देने वाले हैं टू द एक्सटेंट ऑफ नाइन्टी परसेंट टू स्पोर्ट स्मॉल एक्सपोर्टर नाइन्टी परसेंट यहां पर ये इसको इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं रिस्क इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एस के साथ में साइन अप किया है अंडर द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए ई सी आई बी डब्ल्यू पी टी सी पी एस ये क्या है होल टर्न ओवर पैकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट यानी कि पैकेजिंग करने से लेके अब कोई सामान तुम्हें बाहर बेचना है उसको पैकेट पैकेट पैकेजिंग करोगे अच्छे से पैकेट में पैक करोगे उसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा और शिपमेंट के बाद तक भी जो आपका खर्चा आ रहा है उसके लिए भी आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा लोन ये लोग देंगे और एस बी आई ने यहाँ पर बोला है कि इस टाइप का जो ये क्रेडिट है वो कौन कितने रेट पर देगा रेपो रेट प्लस वन पॉइंट थ्री परसेंट जो भी रेपो रेट चल रहा है उस पर प्लस वन point three percent ऐड कर दो ये उस क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा जो उन एक्सपोर्टर को पे करना पड़ेगा किसको इन रिटर्न टू एसबीआई नेक्स्ट यहाँ पर है पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने लॉन्च किया है पावर सेक्टर रिवेम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम टुडे इन्होंने बोला कि पावर सेक्टर के अंदर बिजली वितरण के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है जहाँ पर बिजली वितरण होता है अब बहुत सारी जगहों पर बिजली नहीं आती है तो इसलिए इसको वापस से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर कमी है जनरेशन हो रहा है बिजली बनाई जा रही है लेकिन पहुंच क्यों नहीं रही है तो कही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिक्कत है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर चला दिया स्कीम स्कीम क्या है जितने भी डिस्कॉम्स है डिस्कॉम मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ किसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उनके अंदर ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाएंगे फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी लाएंगे जो भी यहाँ पर यू नो लैक्स हैं उनको ये क्या करेंगे इनको यहाँ पर कवर अप करेंगे नेक्स्ट इज ये थ्री कंपनीज साइंड प्रोग्राम एग्रीमेंट अंडर पी एल आई स्कीम अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है कि अभी फिलहाल में रेपो रेट कितना है रेपो रेट वापस से बढ़ाया गया है अगेन बाय फिफ्टी बेसिस पॉइंट अभी ये बढ़ा है तो कितना हो गया है फोर पॉइंट नाइन परसेंट था जून के अंदर बढ़ा के अब कितना कर दिया फाइव पॉइंट फोर परसेंट कर दिया है विध फिफ्टी बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंट पी एल आई स्कीम जो है ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा तो वहां पर बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा टैक्सेस के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा और अदर भी तुम्हारे लिए लिए है ये उन उन स्कीम सेक्टर्स के चलाया गया जहां पर गवर्नमेंट को लगा कि ये सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यहां पर लोग इन सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम है इंडियन मार्केट जो है इन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर दवाइयां वगैरह अब तुम्हें पता है कि दवाइयों का स्कोप कितना ज्यादा है कोई ना कोई पेंडेमिक तैयार है बीमारियां बहुत ज्यादा है तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर अगर फोकस करेंगे तो वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं एक टाइम पर बिल्कुल टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर है टेक्सटाइल में देखो कपड़ा उद्योग जो है उसके अंदर देखो हर इंसान को नए कपड़े पहनने हैं हर इंसान को अच्छे कपड़े पहनने हैं तो इसका भी स्कोप बहुत हाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप हाई है ड्रोन वगैरह ये सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ें रोबोटिक्स न्यू डिजिटल uh, एजुकेशन ये सारी क्या है पी एल आई स्कीम के अंदर आती है पी एल आई सेक्टर के अंदर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये भी उसी में आते हैं तो यहाँ पर तीन कंपनी कंपनियों ने ये प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है पीएलआई स्कीम के अंदर किसके लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी शॉर्टेज के लिए ठीक है ये आपको इधर याद रखना है ठीक है अब ये कंपनी कौन कौन सी है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड देखो अभी आज की डेट में क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब जानते हैं इसका फ्यूचर आगे फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है लेकिन अभी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कोई मेजर कंपनीज ही इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास इतना पैसा है अगर वो लगा भी देते हैं अभी तो उनको रिटर्न दस साल बाद आएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन छोटी कंपनियां नहीं लगा पा रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिकॉज उनको पता है उनको रिटर्न चाहिए उनको पैसा चाहिए तो उनका पैसा दस साल बाद आएगा तो इतने वो सस्टेन कैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिलायंस है ओला है ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ठीक है टाटा पावर्स है ये उसको क्या कर रहे हैं ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये तीन कंपनी है इनको इंसेंटिव मिलेगा अंडर इंडियाज एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड करोड़ प्रोग्राम इसके लिए चलाया गया है यहाँ पर ये एलोकेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ठीक है अंडर द पी एल आई स्कीम जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज है उनको भी इन्होंने बोला है कि आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है उसको नाइन्टी फाइव गीगा वॉट जो है उससे ऊपर ले जाइए अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिक्कत नहीं है वो बन जाएगा लेकिन उनकी जो बैटरी है उसका दिक्कत है उनके चार्जिंग का दिक्कत है ठीक है अब आपके पास पेट्रोल पंप्स हैं अगर आपको फ्यूल डलवाना है तो पेट्रोल और डीजल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग जानते हैं कि फ्यूचर है फिर भी क्यों नहीं स्विच कर रहे क्योंकि उनको पता है कि इलेक्ट्रिक पा... चार्जिंग स्टेशन तो नहीं है और उनको सेटअप करने में यूनिड कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है तो इसीलिए अभी वो पूरी तरीके से आ नहीं पा रहा है बट फ्यूचर में बहुत अच्छे से हो जाएगा तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं प्राइवेट कंपनीज जो है उनको इस चीज में इस फील्ड में उतारा गया है नेक्स्ट इज केरला गवर्नमेंट टू लॉन्च देसी ऑल्टरनेटिव ऑफ ऊबर ओला उबर ओला क्या है ये आपको पता है कि ये इंडियन कंपनीज नहीं है ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहा है तो केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोचा है कि ऊबर ओला जैसी हम देसी ऑल्टरनेटिव यानी कि इंडियन कम्प इंडियन कोई एक ऐसी कंपनी चलाएंगे जो कि ऑनलाइन कैब सर्विस जो है उसकी तरह काम करेगी तो ऑनलाइन कैब सर्विस केरला सवारी लॉन्चिंग नेक्स्ट मंथ ये अगस्त में लॉन्च हो रही है केरला सवारी ये ओला और ऊबर की तर्ज पर है इन्होंने बोला हम पूरी तरीके से एक देसी विकल्प इसके लिए ला रहे हैं और ये क्या इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सर्विस होगी आप बैठ के इसको आराम से बुक कर सकते हैं और टैक्सी आपके घर पर यहां पर नेक्स्ट है परिफरेंट पार्ट कंट्री लॉन्च अंदर अंडर एनईपी अब एनईपी क्या है आपकी ये आपको याद रखना है दूसरा आपका 75 फाइव ऐसे इंडिजीनियस गेम्स यहां पर शुरू किया यानी कि नो स्वदेशी गेम्स जो हमारे देश के अंदर खेले जाते हैं ऐसे नहीं कि जो फॉरेन में है अब जैसे कि <laughs> राजा मंत्री चोर सिपाही कितने लोगों ने खेला है यहाँ पर राजा मंत्री चोर सिपाही पोशंपा भाई पोशंपा लाल किले में क्या हुआ है ना ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं गिल्ली डंडा यूकी यूबी लकपी तो इंडिया के अंदर ऐसे जो कुछ एक देसी गेम्स है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कबड्डी एंड कंचे कंचे खेले जाते हैं वो छोटे छोटे कंचे होते हैं ना गोल गोल छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं कंचे होते हैं वो तो ऐसे सेवेंटी भारतीय गेम्स जो सेंटर गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिया नॉलेज सिस्टम नोने आई के एस इनिशियेटिव तो हम बाकी स्पोर्ट्स पर फोकस कर रहे हैं बट इंडिजीनियस स्पोर्ट्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं तो ऐसे सेवेंटी फाइव गेम्स को यहाँ पर किया गया हमको लगता है ये बचकाने हैं मजाकिया हैं लेकिन एक टाइम पर कोई भी खेल कहीं पर शुरू हुआ होगा तो वो भी एक यू नो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और बचकाना ही होगा ये इनिशियेटिव लॉन्च किया था जो कि आपका इंडिया इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशियेटिव था कि इंडिया के अंदर और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी कल्चरल हैरिटेज डिपिक्ट करती है तो ये होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह उन्होंने सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन ईपी ई क्या है ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कब शुरू हुई थी आपकी कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी सो दिस इज नोन टू बी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ट्वेंटी जहां पर एजुकेशन सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है ये ऑलमोस्ट चेंज हो गया था आपका एस बी आई आई बी पी एस क्लर्क पी डी एफ कोर्स ये पहला इस टाइप का कोर्स है जो आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्रिलिम्स और मेस के पाँच हजार से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और कितने के आ रहे हैं ओनली फाइव रुपीज आपको सिर्फ कोड यूज करना है शीतल कोड शीतल कोड में ये आपका हजार रुपए की जगह आपको पांच सौ रुपए में मिलेगा ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल यार लिख लीजिएगा शीतल शर्मा शीतल शर्मा एस एच ए आर एम ए ज़ीरो वन ये क्या है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर मैं इस क्लास का आपको पीडीएफ ये जो ऑलीबोर्ड वर्ल्ड की पीडीएफ है ना यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी याद रखना शीतल शर्मा ज़ीरो वन ये मेरा नाम है शीतल शर्मा तो शीतल शर्मा जीरो वन ये जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अब बात आत आती है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की एक शिंदे जो है ये महाराष्ट्र के सी बने और देवेंद्र फडनविस जो है इनको डेप्यूटी सी बनाया गया किसको रिप्लेस किया एक शिंदे ने इनको इन्होंने उद्धव ठाकरे को क्योंकि कॉन्फिडेंस मोशन चला गया उनके पास से उनके जो मेंबर्स थे जो एम थे वो उनके उनके साथ विश्वासघात कर गई एक तरीके से नेक्स्ट इज़ हेयर सोमाली पार्लियामेंट अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ हमजा अब्दी बरे एस पी एम तो सोमालिया जो है उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हमज़ा अब्दी बरे ये आपको याद रखना है फिर आपको क्या याद रखना है यहाँ पर मोगादिशु जो है वो सोमालिया की कैपिटल है और शिलिंग जो है वो सोमालिया की क्या है करेंसी है यहाँ पर स्पीकर कौन है सोमाल सोमालिया की जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके स्पीकर हैं उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो वन ट्वेंट टू ट्वेंटी मेम्बर्स के साथ में यहाँ पर जिन्होंने सेशन को अटेंड uh, किया और उन्होंने बरे को यहाँ पर क्या किया बरे को इधर एंडोर्स uh, किया एज़ द पी एम ऑफ सोमालिया जो कि अपॉइंट किए गए बाय द प्रेजिडेंट ऑफ़ सोमालिया उनका नाम क्या है हसन शेख मोहम्मद हसन शेख मोहम्मद प्रेजिडेंट ऑफ़ सोमालिया और पी एम बन गए हमज़ा अब्दी बरे नेक्स्ट इज़ हेयर पी एम मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स याद फॉर बिकमिंग द फोर्टीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इसराइल इसराइल के फोर्टीन नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं उनका नाम है यार लापित ये आपको याद रखना है और यहां पर लापित जो है वो यहां पर काफी कम होगी क्योंकि इनको एक तरीके से एक टेयर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इसराइल के इलेक्शन अभी होने एक नवंबर में तो उससे पहले एक तरीके से अंत, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर भी ये बनाए गए हैं अब यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर जिनको इन्होंने रिप्लेस किया वो है नफ्ताली बैनर नेक्स्ट इज यार आरबीआई गिव नोट्स टू टर्म एक्सटेंशन ऑफ सी बैंक्स एंड

एज़ न्यू सी ओ एन एम डी अबिवा इंडिया जो है ये क्या है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने असित रथ जो है वो वो सी ओ और एम डी भी हैं इनके उनको क्या बनाया है नया अपॉइंटमेंट इधर किया है उनको नया सी ओ एन एम डी बनाया है और ग्यारह जुलाई से इन्होंने अपना जो आ, पोस्ट है वो सक्सीड कर लिया है किसको सक्सीड किया है अमित मलिक को इन्होंने सक्सीड किया यानी कि उनकी जगह आप ये लेंगे अबिवा इंडिया जो है ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और ये जॉइंट वेंचर है दो कंपनियों के बीच में एक तो डावर कंपनी है डावर इन्वेस्ट कॉर्प उसके बीच में और दूसरी कौन सी है अबिवा इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड जो कि एक यूके बेस्ड इंश्योरेंस ग्रुप है तो एक तरीके से ये ज्वाइंट वेंचर है डाबर इंडियन कंपनी है और अबिवा यूके बेस्ड कंपनी है ठीक है नेक्स्ट यहां पर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ यू मिशन इन साउथ सुदान यूएन मिशन इन साउथ सुदान के अंदर जो यू मिशन है उसका क्या बनाया गया है इनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है नेक्स्ट इज यार स्मृति ईरानी जो है उनको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है जबकि अब्बा, मुख्तर अब्बास नकवी जो है उन्होंने डिजाइन कर दिया तो स्मृति ईरानी को बना दिया गया अफेयर्स मिनिस्टर ठीक है क्योंकि पारसियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर जो स्टील मिनिस्टर थे और जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं रामचंद्र प्रकाश सिंह उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया और इनका टर्म जो था एक्सपायर हो रहा था एज राज्यसभा त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द एम डी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई बी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुए तो उनका नाम है परितोष त्रिपाठी ठीक है इन्होंने किसको सक्सीड किया केसी पी सी कांडपाल को इन्होंने रिप्लेस किया है एस बी जनरल इंश्योरेंस कंपनी दो में आई थी जब एस ने इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इन्होंने वेंचर किया था और इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है इन्होंने कार्य कब से शुरू किए 2010 से ये किसके बीच में है एसबीआई बैंक और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है उसके बीच का ये ज्वाइंट वेंचर है नेक्स्ट इज देयर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कॉप कांत जो है फॉर्मर सीईओ जो अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के उनको अपॉइंट किया गया है जी ट्वेंटी समिट का शेरपा क्योंकि पीयूष गोयल जो जी ट्वेंटी शेरपा थे वो बिजी शेड्यूल की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने ही नाम लिया अमिताभ कांत का कि उनको बना दिया जाए इंडिया जो है ये मेम्बर रहा है जी ट्वेंटी का फ्रॉम इट्स सिंस इट्स एक्सेप्शन इंसेप्शन इन नाइनटीन नाइन्टी में जी ट्वेंटी आया था और तभी से इंडिया इसका मेम्बर है और हमारी जो इंडियन कंट्री है वो जी सबमिट को एक दिसंबर 2022 से इसके इसकी मेजबानी करेगी इसके होस्टिंग राइट इनके पास में है और हम कब तक करेंगे 2023 तक है। क्या होगा होस्ट करेंगे इसको नेक्स्ट इज यार आर के गुप्ता अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वो है आपके राजीव कुमार और आर के गुप्ता यानी कि राजीव कुमार गुप्ता जो है अगर गुप्ता आएगा तो ये क्या है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है राजीव कुमार ये दोनों चीज़ें याद रखनी है किसकी जगह पर आए टी श्रीकांत की जगह पर ये आए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ऑफिसर है सी में ये काम करते थे जिनको यहाँ पर क्या बना दिया गया है डेपुटी इलेक्शन कमिश्नर इधर बना दिया गया है नेक्स्ट इज यार संजीव पुरी इलेक्टेड सी आई आई वाइस प्रेजिडेंट फॉर फाइनेंशियल सी आई आई क्या है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है जिसका इन्हें वाइस प्रेजिडेंट बना दिया गया है और टीवीएस कंपनी जो है उसकी सप्लाई चेन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन जो है आर दिनेश ये क्या होंगे नए न्यू प्रेजिडेंट डेजिग्नेट होंगे जो कि किसको रिपोर्ट प्लेस कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन एंड सीईओ पवन मुंजाल इससे पहले पवन मुंजाल जो थे वो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट थे लेकिन अब कौन होंगे आर दिनेश होंगे और वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे वाइस प्रेसिडेंट होंगे आपके संजीव पुरी संजीव बजाज जो हैं वो क्या है संजीव बजाज है जो कि बजाज फिनसअ के सीएमडी हैं वो इसके प्रेजिडेंट बना दिए गए हैं तो प्रेजिडेंट संजीव बजाज वाइस प्रेसिडेंट संजीव पुरी एंडी प्रेजिडेंट डेजिग्नेट इज आर दिनेश नेक्स्ट इज यर संजय कुमार रेकमेंडेड फॉर पोस्ट ऑफ सी एम सी एम डी दैट मीन्स सी ओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल तेल रेल तेल क्या है ये एक आपकी यू नो पब्लिक सेक्टर कंपनी है रेल तेल जो आपकी रेलवेज के इंडियन रेलवेज के अंडर आती है तो यहाँ पर पब्लिक से, एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड जो है उन्होंने संजय कुमार को सिलेक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ सी एम ऑफ रेल तेल कॉरपोरेशन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि चेयरपर्सन कौन है पब्लिक से, एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की वो है मल्लिका श्रीनिवासन नेक्स्ट इज एयर एडवेंट इंटरनेशनल हायर्स प्रतीक पोटा टू लीड यूरेगाका फोर्स यूरेगा फोर्स कंपनी जो है उसके एम डी एन सी ओ किस बनाया गया है प्रतीक पोटा को बनाया गया है ये मैनेजमेंट टीम को यहां पर लीड करेंगे जिसमें इस बिजनेस को ये यह यहां पर आगे पहुंचाएंगे नेक्स्ट इज हेयर आर बी अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ मीना हेमचंद्रा एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करूर वैसा बैंक करूर वैसा बैंक जो है उसकी क्या बनाई गई है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें यहाँ पर आर बी आई ने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर आरबीआई एग्जीक्यूटिव मीना हेमचंद्रा एज पार्ट टाइम

इंडियन अमेरिकन नोरीन हसन नेम्ड प्रेजिडेंट ऑफ़ यू बी एस अमेरिकाज एंड सी ओ Holding. Indian American origin ऑफ़ यू बी एस अमेरिका होल्डिंग इंडियन अमेरिकन ऑरिजिन के जो नोरीन हसन हैं, उनको प्रेजिडेंट बना दिया गया है अध्यक्ष बना दिया गया है यू बी एस अमेरिका और सी ओ बना दिया गया है यू बी एस अमेरिकन होल्डिंग्स का नेक्स्ट इधर है आपका अगर आपसे पूछेगा यू बी एस अमेरिका या यू बी एस ग्रुप जो है ये एक मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड और कौन सी सिटीज़ में जुलीक और बेसल के अंदर बेस्ड है। नेक्स्ट इंडिगो ने अपॉइंट किया मिस्टर एम दामोदरन एज नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इंडिगो के नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होंगे वो होंगे मेलेवीतिल दामोदरन एम दामोदरन से भी आप याद रख सकते हैं इससे पहले ये एम दामोदरन जो है सेबी के चेयरमैन रह चुके हैं 2008 में और यहाँ पर अब इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरमैन बनाया गया था इंडिगो का 2019 से लेके 2022 तक इसी के साथ में अब चेयरमैन की जगह ये क्या होंगे नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे जो कि पियटर एल्बर्स हैं ये नए इंडिगो के सी हैं सी कौन है पियटर एल्बर्स और डायरेक्टर कौन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम दामोदरन नेक्स्ट इज यार राज शुक्ला अपॉइंटेड एज member ऑफ यूपीएससी यूपीएससी के नए मेंबर यहां पर कौन अपॉइंट हुए हैं राज शुक्ला अगर आपसे पूछेगा यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है जिनका हाल ही में यहां पर अपॉइंटमेंट हुआ था वो है मनोज सैनी सोनी यहाँ पर शुक्ला जो है आपके राज शुक्ला इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था 2021 में और ये अब मेंबर है यूपीएससी के नेक्स्ट इज ईयर जयंती प्रकाश अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ आईबीबीआई आईबीबीआई क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये आपका कब आया था दो में आया था बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो दो के अंदर आया था जिसका सेक्शन वन कुछ पावर्स यहाँ पर देता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया जयंती प्रसाद को एज होल टाइम मेंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया पांच सालों के लिए या फिर सिक्सटी फाइव ईयरस की एज जो भी यहां पर पहले होगी तब तक ये अपॉइंटेड रहेंगे अगर आपसे पूछेगा आई बीबीआई का, का चेयरपर्सन कौन है तो वो है रवि मित्तल ओके नेक्स्ट इज आई ए एच अपॉइंट इनारासू कुुनेसन एज रेप्रजेंटेटिव इन इंडिया तो यहाँ पर आई ए पी एच क्या है ये टोक्यो बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर है जिन्होंने यहाँ पर एना रासू करुनेशन जो हैं उनको क्या बनाया गया है इंडिया की तरफ से प्रतिनिधि इन्होंने बनाया है नेक्स्ट इज एयर बैंकिंग वेटरन नकुल जैन जो है वो बनाए गए हैं सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ पेमेंट सर्विसेज लेकिन खाली पे की कंपनी के जो सी एंड एम डी कौन है, वो विजय कर शर्मा ठीक है लेकिन अगर आपसे सिर्फ पेटीएम की पेमेंट सर्विसेज का सीईओ बोलेंगे तो कौन होंगे नकुल जैन नेक्स्ट ईयर टाटा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने विनायक पाई को क्या बनाया है अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसने विनायक पाई जो है उसके एमडी बनाए गए हैं बाईस जुलाई से और ये किसकी जगह लेंगे विनायक देश की जगह लेंगे जो कि पिछले ग्यारह सालों से इस पोस्ट पर थे नेक्स्ट इज यार आशीष कुमार चौहान क्विट्स एज सीईओ ऑफ बीएससी बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सी के तौर पर आशीष कुमार चौहान जो है उन्होंने क्या कर दिया है इधर क्वेट कर दिया है ये इससे पहले यहाँ पर ही वॉज नेम्ब न्यू सी ऑफ एन लिमिटेड रिसेंटली अभी उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया सीईओ रिसेंटली अपॉइंट भी किया गया था तो ये जो आपके आशीष कुमार चैन है इन्होंने क्या किया है इसको क्विट कर दिया है बी एस सी हैज अपॉइंटेड एन एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर नीरज कुलशेष्ट्रा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नयन मेहता एंड चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सी तावड़िया और चीफ बिजनेस ऑफिसर समीर पाटिल एंड चीफ ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशन गिरीश जोशी टू रन द एक्सचेंज टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ चौहान सक्सेसर तो जब तक इनकी जगह पर कोई और नहीं आता है तो ये इतने सारे

टाटा सन्स ने यहां पर एयर इंडिया को अक्वायर किया था ऑन ट्वेंटी हैं और तमिलनाडु केजर के हैं और इनको यहां पर पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विसेज इन टू थाउजेंड फोर इनको ये मेडल मिल चुका है प्रेजिडेंस पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग सर्विस इनको दो हजार चौदह में मिला इसके अलावा पुलिस स्पेशल ड्यूटी मिल चुका है बहुत बहुत सारे पदक इनको मिले हैं यू एन मेडल भी इनको मिला है तो यहाँ पर संजय अरोड़ा जो है ये नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है तो आज का सेशन मुझे यहीं पर एंड करना पड़ रहा है बट आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रही हूँ होमवर्क जो है वो ये है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एल जी दैट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली डेली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं ये आप मुझे क्लास ओवर होने के बाद में कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो डेली मेरी क्लास होती है बारह बजे कल पंद्रह अगस्त है तो कल ऑफ रहेगा बोर्ड पर कोई क्लास नहीं होगी अब मिलती हूँ आपसे ट्यूजडे को सोलह अगस्त को बारह बजे जहाँ पर हम जुलाई मंथ का टॉपिक वाइज करंट फेस करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म्स में होंगे क्वेश्चन फॉर्म में होंगे तो आपका बहुत अच्छा रिविजन हो सकता है तो जो ट्यूसडे 16 अगस्त को हम करने वाले हैं ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स तो आपको ज्वाइन करना है आज के लिए बस इतना ही कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी थैंक यू सो मच एवरी वन एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा जीरो वन यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको क्लास का पी डी एफ चाहिए तो शीतल शर्मा ज़ीरो वन पर ज्वाइन कर दें यहाँ पर आफ्टर द क्लास मैं अभी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इस पूरी पी डी एफ का पूरी पी डी एफ का आपको लिंक क्या इनफैक्ट पूरी पीडीएफ ही मिल जाएगी ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन बाय एंड टेक केयर एंड विश गायज ऑल द बेस्ट फॉर यू अपकमिंग एग्जाम्स बाय